गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को हर वह चीज खानी चाहिए जो उसके गर्भ में पल रही नन्ही सी जान के लिए फायदेमंद होती है। और यदि आप पहली बार मां बनने जा रही हैं तो निश्चित रूप से कुछ भी खाने से पहले आप सावधानी बरतेंगी। इसके चलते आपके मन में यह सवाल अवश्य आएगा, गर्भावस्था के दौरान संतरे जैसे खट्टे मीठे फलों का सेवन करना वाकई सुरक्षित होता है या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गर्भावस्था के दौरान क्या संतरा खाना सुरक्षित है या नहीं, और अगर संतरे खाने से कुछ फायदे मिलते हैं तो क्या गर्भावस्था में संतरा खाने के कुछ नुकसान भी है, और गर्भवती महिलाओं को कितने संतरे एक दिन में खाने चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, संतरा एक ऐसा फल है जिसे गर्भावस्था के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जा सकता है। विटामिन सी के गुणों से भरपूर संतरा गर्भवती महिला और साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रहे, गर्भवती महिलाओं को संतरे का सेवन भी एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का सेवन अगर जरूर से ज्यादा करते हैं तो इससे फायदे की जगह नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतरे खाने के क्या क्या फायदे हैं गर्भावस्था के दौरान, और संतरे खाने के कुछ नुकसान भी हैं जो कि वीडियो के अंत में बताएंगे। गर्भावस्था के दौरान संतरे का सेवन गर्भवती महिला प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक कर सकती है, क्योंकि संतरा खाना शिशु के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही साथ गर्भवती महिला के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा गर्भावस्था में गर्भवती महिलाएं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 संतरे का सेवन कर सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को संतरे का सेवन एक दिन में नहीं करना चाहिए। संतरे में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होने के कारण यह बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ रहने, इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान संतरे का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को भरपूर मात्रा में फॉलेट मिलता है। फॉलेट आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये शिशु के दिमाग के बेहतर विकास में मदद करता है, साथ ही साथ शिशु की रीढ़ की हड्डी के बेहतर विकास में भी फॉलेट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फॉलेट की कमी से शिशु को रीढ़ की हड्डी का एक जन्म दोष जिसे स्पाइना बफीडा कहा जाता है, यह जन्म दोष होने का खतरा रहता है, और फॉलेट संतरे में भरपूर मात्रा में होता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पोटाशियम केवल नारियल पानी में ही नहीं होता बल्कि संतरे में भी अच्छी खासी मात्रा में पोटाशियम होता है जो गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के स्किन के लिए, आंखों के लिए, साथ ही साथ शिशु के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पोटाशियम। गर्भवती महिलाओं को संतरे का जूस पीने की बजाय पूरा संतरा खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको संतरे के गुणों के फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पूरा संतरा खाने से इसमें मौजूद फाइबर गर्भवती महिलाओं को कब्ज, एसिडिटी से बचाता है और गर्भवती महिलाओं की पाचन क्रिया को बेहतर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। दोस्तों, संतरे में 88% पानी होता है और संतरे का सेवन करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा इसमें मौजूद सोडियम और पोटाशियम आपके शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। संतरे का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं के मूत्र में पीएच लेवल बढ़ जाता है, जिससे शरीर में साइट्रिक उत्सर्जन बढ़ता है और गुर्दे की पथरी के लिए एक बेहतरीन उपाय का काम करता है। साथ ही साथ किडनी संबंधित बीमारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है संतरा। यह किडनी को साफ करने का भी काम करता है। इसके अलावा संतरे का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन और मूत्र संबंधित समस्याओं से बचाव होता है। दोस्तों, ये तो थे गर्भावस्था में संतरे खाने के कुछ फायदे, लेकिन संतरा खाने के कुछ नुकसान भी है।
अगर संतरे का अत्यधिक सेवन किया जाए, जरूरत से ज़्यादा संतरा खाया जाए, तो इसमें मौजूद विटामिन सी की अधिकता के कारण आपको कॉन्ट्रैक्शन यानी पेट में दर्द और कभी कभार समय से पहले लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा संतरे का सेवन गर्भवती महिला करती है तो इसमें मौजूद विटामिन ई की अधिकता के कारण शिशु अंडरवेट भी रह सकता है। संतरे में पोटाशियम होता है और अगर गर्भवती महिला जरूरत से ज़्यादा संतरे का सेवन करती है तो इससे खून में पोटाशियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके अलावा संतरे की तासीर ठंडी होती है और अगर सर्दियों में संतरे का सेवन ज़्यादा किया जाए तो आपको गले में इन्फेक्शन हो सकती है और सर्दी जुकाम हो सकती है। इसके अलावा सर्दियों में खासकर रात को संतरे का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे आपको सर्दी जुकाम और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।